एक्सट्रीम ड्राइव की वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस लाल वाले बटन को दबा के, और हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए इस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे हर लेटेस्ट अपडेट से साथ आप बने रहें। और हमारे साथ बने रहने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एक्सट्रीम ड्राइव पे। आज हम रिव्यू करने वाले हैं महिंद्रा के बजट कॉम्पैक्ट एसयूवी, जो महिंद्रा ने डिज़ाइन की है स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए, महिंद्रा के UV100 NHT या नेक्स्ट। इसका जो बेस मॉडल है 4.66 लाख से प्राइस है एक्स-शोरूम, जो इस बेस मॉडल का वेरिएंट का नाम है K2। उसके बाद आता है K2 प्लस, फिर K4 प्लस, फिर K6 एंड ये टॉप मॉडल है K8। दोस्तों, 6 सीटर 5 सीटर में आपको इसे ऑप्शंस मिलते हैं। ये 6 सीटर है, ये कोई पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो बजट में 6 सीटर हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर आपको DRLs मिलते हैं महिंद्रा की तरफ से। इसमें आपको कन्वेंशनल हेडलैम्प्स मिलते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं दोस्तों, स्टाइलिश। और अगर आप एक बार इसे हेडलैम्प साइड से देखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो इसकी फिनिश दी गई है साइड पे। और इधर ही आपको नीचे से फॉग लैंप्स मिलते हैं। टॉप मॉडल में आपको फॉग लैंप्स मिलते हैं, बेस मॉडल में भी नहीं मिलते और मिडल में वेरिएंट में भी नहीं मिलते। इधर आपको फेंडर देख सकते हैं इसका, आप एयर फ्लो के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है, जो इसे मेन फीचर है, वो बाकी कम मतलब इस सेगमेंट में जो गाड़ी आती है उनसे ज़्यादा है, तो इस वजह से गाड़ी चल पाए मतलब चलती है। और इधर इसको आप किधर ऑफ रोड भी लेके जा सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब इतनी प्रॉब्लम में, जैसे थोड़ी बहुत ऑफ रोड एरियाज में चल जाएगी आराम से। इधर आपको बैजिंग मिल गया KUV100 NHT या नेक्स्ट, जो आपके मंत्र आप बोल सकते हैं। इधर नीचे इधर आपको एलोइज मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लैक डायमंड एलोइज मिलते हैं इसमें आपको, जो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इसका जो साइज़ है वो है 15 इंच 185/60 R15, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर लिखा हुआ साइज। तो इसमें अगर आप टायर थोड़े वाइडर आफ्टर मार्केट वाइडर डलवाए तो आपको ज़्यादा अच्छी ग्रिप मिलेगी। ये दोस्तों बेसिकली ये डेमो वेरिएंट है, इसलिए इधर लिखा हुआ ड्राइव द KUV100 NHT। और आपकी मर्जी, अगर आपने लगवाना आप लगवा भी सकते हैं। इधर आपको कोई कीलेस एंट्री नहीं मिलती, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी। इधर आपको जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी मतलब कोई भी क्रोम की फिनिश कुछ नहीं। इधर आपको देख सकते हैं पियानो ब्लैक में हैंडल मिलता है, जैसे शेवरले बीट और अब सुजुकी स्विफ्ट में मिलता है, काफ़ी अच्छे से खुलता है रियर डोर प्रोफाइल इसका। मैं आपको अभी हम आपके से रियर डोर प्रोफाइल दिखा भी देते हैं। इधर आप देख सकते हैं लाइट मिलती है आपको, इल्यूमिनेशन लाइट ब्लू आइस ब्लू कलर में, जो महिंद्रा अपनी हर व्हीकल में देता है। इधर आपको पावर विंडो से कंट्रोल्स मिलते हैं, इधर आपको फ़ोन रखने की जगह मिलती है, इधर आपको 1 लीटर बोतल होल्डर मिलता है इसमें, इधर आपको स्पीकर्स मिलते हैं, इधर आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है, इधर आपको कार्बन फिनिश मिलती है, जैसे कि देख सकते हैं फेट कार्बन फिनिश। एक बार मैं आपको इसे बूट दिखा देता हूँ अब, और रियर से गाड़ी, जैसे कि रियर से इसे जो टेल लैंप्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आप देख सकते हैं ये एकदम LED वाली फीलिंग आती है इससे। और इधर आपको KUV100 NHT की बैजिंग मिलती है, टॉप मॉडल है मैंने आपको बताया था K8, और 6 सीटर है दोस्तों ये। इधर आपको महिंद्रा की बैजिंग मिलती है, रियर में आपको डिफॉजर मिलता है, वाइपर मिलता है, इधर नीचे आपको 3 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, 1, 2, 3। और जो सर टेल लैंप्स भी दोस्तों कन्वेंशनल है, पर दूर से दोस्तों LED की तरह लगते हैं, इतने अच्छे स्मोक्ड आउट टेल लैंप्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मुझे इस गाड़ी में से इस गाड़ी में मुझे सबसे अच्छी बात लगती है इसे टेल लैंप्स। इधर नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, जो हाईवे पर ट्रैफिक काम करते हैं। इसका जो बम्पर है दोस्तों ड्यूल कलर का, मतलब ग्रे और ब्लैक, जो काफ़ी अच्छा दिखता है, काफ़ी स्पोर्टिंग फीलिंग आती है इसका। इधर वाइपर का आपको इधर आपको मिलता है वाटर डिस्पेंसर, जैसे कि आप देख सकते हैं महिंद्रा की टैग लाइन है लिव यन लिव फ्री। वो अगर आपको अपनी गाड़ी में लगवाना है आप लगवा भी सकते हैं, चाहे आपके पास महिंद्रा की कोई भी पुरानी हो या नवी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक बार हम आपको उसका बूट दिखा देते हैं। अगर आपको बूट खोलना है तो की में एक बटन है, इसे आप खोल करके रखे बूट खुल जाएगा। इसमें आपको 243 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जो ठीक है मतलब जिस प्राइस में कार है। तो इधर आपको नीचे स्पेयर व्हील मिलता है, स्टील व्हील ही अलॉय को मिलेगा नहीं इस प्राइस में भी। इधर ही आपको टूल किट मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इधर आपको 12 वोल्ट पावर आउटलेट मिलता है, उधर आपको हेलोजन लाइट मिलती है, बूट लैंप, जैसा कि इसे जो हेडरेस्ट आप देख सकते हैं रियर से, काफ़ी मतलब बड़े हेडरेस्ट है और काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो सकते हैं। अब हम चलते हैं इसे रियर सीट्स पे और देखते हैं कंफर्टेबल है या नहीं। अगर आपको इसे बूट बंद करना है, कोई मतलब बटन हुड सा हैंडल नहीं बनवा आपको, ये दिया गया है हैंडल बेसिकली कपड़े का, उसको आप बंद कर सकते हैं ऐसे। और
दोस्तों महिंद्रा की एक अच्छी बात है इनकी हर गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी होती है। अब चलते हैं हम इसी रियर सीट्स। जो महिंद्रा थी जो नया मॉडल है KUV100 NHT उसके अंदर हम आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सब फ्लोर पूरा का पूरा फ्लैट है महिंद्रा XUV500 की तरह। इधर आपको ये दोस्तों सिक्स सीट है, मतलब आगे आपको तीन सीटें पीछे भी तीन सीटें, तो मतलब जो इससे स्पेशल है जो इससे अच्छी बात है स्पेशलिटी। इधर आपको हैंडल मिलता है फिक्स्ड है, कोई इधर आपको हुक नहीं मिलता ब्लेजर के लिए, तो इस प्राइस में किसी भी कार में नहीं मिलता। इधर आपको मैगजीन होल्डर्स मिलते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। एयर में आपको कोई एसी वेंट नहीं मिलता, पर महिंद्रा कहते हैं इसका कंप्रेसर का साइज मतलब काफ़ी बड़ा है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है एक जैसा कंपेयर टू एसयूवीज में होता है, कोई हैचबैक की तरह नहीं कि हेडरूम इसका जो जैसे कि छोटा है। इधर आपको आर्मरेस्ट मिलता है विथ टू कप होल्डर्स, ये आपको बेसिकली इधर आप रख सकते हैं अगर आर्मरेस्ट मतलब गंदा ना हो आपका, तो काफ़ी अच्छी बात है आप इसको निकाल भी सकते हैं और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। इधर इसमें आपको फैब्रिक सीट्स मिलती है, रियर में आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिलते हैं। इससे जो फैब्रिक सीट्स है ऑल ब्लैक है, मतलब सीटें जल्दी गंदी भी नहीं होगी जैसे कि इसमें पैटर्न होते हैं, इसमें पैटर्न बहुत कम है जैसे कि देख सकते हैं आप। एक बार हम आपको इसे रियर से डैशबोर्ड दिखा देते हैं, अगर आपको रियर से डैशबोर्ड देना है आपको ये सीट पूरी की पूरी आगे करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं इसे रियर से डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा, इसमें भी आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, एसी कंट्रोल्स मिलते हैं, इसमें आपको जॉयस्टिक गियर मिलता है। तो अब हम चलते हैं इसे फ्रंट पे और देखते हैं इसके फीचर्स। इसमें आपको कोई कीलेस एंट्री नहीं मिलती, इससे जो ओआरबीएम्स है वो एडजस्टेबल, वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और रिट्रैक्टेबल, और उसी में आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं जैसे कि आप देख लो। अब हम आपको चलते हैं इसे फ्रंट सीट पर दिखाते हैं सब फ्रंट डोर प्रोफाइल। आप देख सकते हैं इधर आपको मिलती है पावर विंडो से कंट्रोल्स, फ्रंट और रियर वन टच नहीं है, आपको होल्ड करके रखनी पड़ेगी। इसमें आपको मिलती है प्लास्टिक के हैंडल्स, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। इधर आपको नीचे मिलती है इल्यूमिनेशन लाइट ब्लू आइस ब्लू कलर की। इसमें आपको मिलता है फ़ोन होल्डर, इधर आपको 1 लीटर बोतल होल्डर मतलब 1 लीटर हाँ 1 लीटर बोतल होल्डर और कुछ और रखने की जगह। इधर आगे आपको मिलते हैं स्पीकर, इसमें आपको मिलते हैं 4 स्पीकर्स, और इससे जो अंदर से अब हम आपको दिखाते हैं इसे सीट एडजस्टमेंट। इधर आपको कोई स्टॉप प्लेट्स नहीं मिलती, अगर आपको अपनी लुम्बर स्पोर्ट एडजस्ट नहीं है वो इससे हो जाएगी जैसा कि आप देख सकते हैं। और इधर आपको अपनी लेग स्पेस इंक्रीज करनी है डिक्रीज करनी है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इससे डिक्रीज होगी, इससे इंक्रीज होगी। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसके अंदर और देते हैं इसे फीचर्स। गाड़ी के अंदर आ चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम इसको ऑन करते हैं तो इसलिए आप एक बार देखना काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। स्पीडोमीटर और आरपीएम मीटर, और देख सकते हैं आप इसका आरपीएम मीटर 7000 आरपीएम तक जा सकती है और मैक्सिमम स्पीड है 180 जो महिंद्रा क्लेम करती है, अराउंड 160-140 तक चली जाएगी। इसमें आपको बीच में एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, इधर से आप और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कितने किलोमीटर चली है। इधर आपको हैंड ब्रेक्स वगैरह के कंट्रोल मिलते हैं, इससे जो वाइपर्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, अपना काम ठीक करते हैं दोस्तों। ड्यूल ब्लेड नहीं है पर फिर भी ठीक है, काम तो अच्छे ही तरह जाते हैं अपना। ये ऐसा स्टीयरिंग है, इधर आपको एयर बैग मिलता है, आपको को ड्राइवर साइड पे भी एक एयर बैग मिलता है, दो एयर बैग मिलते हैं सेफ्टी में। इसमें आपको वॉल्यूम के कंट्रोल्स मिलते हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम के कॉल उठा सकते हैं काट सकते हैं, वॉल्यूम डाउन और अप। इधर आपको कोई कंट्रोल्स नहीं मिलते, इधर आपको इंडिकेटर के कंट्रोल्स मिलते हैं। इधर आपको ओवर वी एम्स रिट्रैक्ट करना है तो रिट्रैक्ट कर सकते हैं जैसे कि अभी देख सकता हूँ आपको मैं, इसे रिट्रैक्ट हो गए। इधर आपको मिलता है महिंद्रा का इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसमें आपको होम में जा रहे तो इसमें आपको कार इन्फो नेविगेशन सेटिंग रेडियो कार इन्फो में जैसे इसे कितने किलोमीटर चली है डिस्टेंस टू एमटी नेविगेशन में सेटिंग्स, नेविगेशन लिए आपको इसमें कार्ड डालना पड़ेगा। और सेटिंग्स में आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें आप साउंड डिस्प्ले भी जा रही थी, और एक बार हम आपको इसका दिखा देते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। काफी अच्छी साउंड क्वालिटी है। इधर आपको मिलती है पार्किंग लाइट्स जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्रंट में आपको दो सीमेंट्स मिलते हैं, बीच में एक इधर मिलता है ड्राइवर साइड पे, एक इधर मिलता है इस साइड पे। इधर आपको मिलती है पियानो ब्लैक फिनिश, ऊपर आपको मिलता है कार्बन फिनिश जो काफ़ी अच्छा लगता है डैशबोर्ड पे। इधर आपको मिलता है USB सॉकेट, इधर आपको मिलती है ऑट सॉकेट, और इसमें आपको साथ साथ में इसका आप
फोन भी अपना लिंक तो नहीं कर पा रहे, पर इसमें आपको ब्लूटूथ भी है तो काफी अच्छी बात है। इधर आपको मिलते हैं एसी रेट कंट्रोल्स, मैनुअली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा 1 2 3 4। इसमें आपको जो कंट्रोल्स मिलते हैं एसी रेट काफी अच्छे मिलते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। जैसे ये आप इसे रोटेट करोगे एकदम काफी अच्छी क्वालिटी के है। इधर आपको मिलते हैं रिलेटेड डिफॉल्टर्स और एसी का फ्लो आपको कहाँ पे चाहिए। इधर आपको मिलता है जॉयस्टिक लीवर, इधर से पहला इधर से दूसरा गियर डालना है तो डाल सकते हैं, काफी अजीब है। इधर आपको मिलती है हैंड ब्रेक पुराने जमाने की तरह। इधर आपको मिलता है सीधे लाइटर, यह 12 वीटर पावर आउटलेट। इधर आपको मिलते हैं ट्विटर्स, ऊपर आपको मिलती है सनशेड, इधर आपको रिसीप के लिए जगह मिलती है, इधर आपको मिलती है लाइट सीट कंट्रोल्स और सनग्लास होल्डर, इधर आपको मिलता है रियर मिरर। आपको ऑटो डिमिंग नहीं मिलती, आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। इधर आपको मिलता है ड्राइवर साइड पावर ड्राइवर साइड पे मिरर वैनिटी मिरर। इधर आपको मिलती है लाइट वाइट लाइट एलईडी, और इधर आपको ग्लव बॉक्स मिलता है काफी डीप मतलब ठीक है डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स है इसका। और मेन फीचर है जो इसका फ्रंट रो पे थर्ड सीट, जी हाँ अगर आप तो ये सीट को देख सकते हो एक पूरा बंदा बैठ सकता है आराम से, थोड़ी मुश्किल होगी उसे तो। इधर हैंड ब्रेक भी है पर ठीक रहेगा, अगर आप तो सीट को फोल्ड करना वो भी कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप एक खुद दे रहे हैं उस लीवर तो अगर आप खींच ले रहे और आगे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ पुल कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है। इधर आपको मिलते हैं टू कप होल्डर्स, साथ में प्रोटेक्टर टाइप के कुछ मिलते हैं आपको इधर। और अगर आपको सीट तो दोबारा अप करना है तो इधर तो इसमें आराम से फ्रंट में आराम से तो नहीं मतलब बैठ सकते तीन बंदे, इधर ये स्पेशलिटी है। और यहाँ तक कि एक और बात भी इससे बड़ी अच्छी है जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। अब हम चलते हैं इसे इंजन की तरफ और आपको बताते हैं इसे इंजन की स्पेसिफिकेशंस, और अगर आपको हम दे दें इसे प्राइस और कलर्स के वेरियंट्स। और अगर आपको बोनट खोलना तो यहाँ पे खुद जाएगा बोनट खुल जाएगा। ड्राइवर साइड पे कुछ रखने की जगह जैसे कि आप देख सकते हैं अपने मतलब वॉलेट वॉलेट कुछ भी रख सकते हैं। ये आपके लाइट से कंट्रोल्स है ईयर्स। और अब हम आपको इसे सेफ्टी फीचर्स की तरह सब बारी बताते हैं। अब चलिए दोस्तों हम आपको इस तरह दिखाते हैं इंजन। दोस्तों आप इसे इंजन देख सकते हैं, इसमें आपको मिलता है महिंद्रा की तरफ से 1200 cc का इंजन जो जनरेट करता है 77 bhp की पावर और 190 Nm का टॉर्क। इसे जो माइलेज एयर आई है क्लेम करती है 25.32 जो ये डीजल की है। और वही अगर आपको इसमें पेट्रोल लेना है तो उससे जो एवरेज जो एयर आई है क्लेम करेगी वो है 18.15 किलोमीटर पर लीटर की। इसमें आपको 10 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, फ्लेम फ्लैम्बियंट रेड पर्ल वाइट डिजाइनर ग्रे डेजलिंग सिल्वर फायरी ऑरेंज मिडनाइट ब्लैक फ्लेम बॉय एंड रेड मेटालिक जो ड्यूल टोन में आते हैं। दोस्तों सिल्वर मेटालिक डेजलिंग सिल्वर मेटालिक भी ड्यूल टोन है, रेड ब्लैक भी ड्यूल टोन है और सिल्वर ब्लैक भी ड्यूल टोन है। ड्यूल टोन सबसे टॉप मॉडल है, ये भी टॉप मॉडल है, इससे ऊपर आता है ड्यूल टोन। और जैसे कि आप देख सकते हैं पर्ल वाइट से आप भी देख सकते हैं। इधर पीछे आपको मिलता है महिंद्रा का लोगो। आगे आपको बड़े सिंपल से फीचर्स मिलते हैं जैसे कि अगर आपको गाड़ी लॉक करनी है इसे लॉक हो जा रही है, इसे बूट खुल सकता है हमने दिखाया था आपको और इसे अनलॉक हो सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको गाड़ी कैसे लगी और हम अगली कौन सी गाड़ी पर वीडियो बनाएं।